हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ। और दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ स्वरांजलि, और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, यदि आपको चूहा काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, चूहे का काटना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्या चूहा जहरीला होता है या फिर चूहे के काटने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ, तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको हम बताते हैं कि यदि आपको चूहा काट लेता है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, यदि आपको चूहा काट लेता है तो आपको फीवर आ सकता है, आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, उस जगह पे सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है। दोस्तों, ऐसे कई सारे लक्षण आप में आ सकते हैं यदि आपको चूहा काट लेता है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घर पे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको चूहे के काटने के बाद उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, चूहे के काटने से हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है यदि आपको चूहा काट लेता है तो। आपको सबसे पहले अपने घाव को गर्म पानी से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको घाव को सुखा के कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा लेनी है और आपको उस जगह को बांध लेना है। आप टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप उस घाव पे कोई और भी घरेलू उपाय इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको हम कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे वो घाव भर जाएगा और उसमें इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होगा। दोस्तों, घाव को साफ करने के बाद और उसे सुखाने के बाद आपको पुदीने की पत्तियों को पीस लेना है और उस पेस्ट को आप उस घाव पे लगा लीजिए। इससे भी इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है और सूजन भी कम हो जाती है। और दोस्तों, दूसरा उपाय है, आप मूली के रस में शहद मिलाकर आप उसे ले सकते हैं, इससे भी इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही कम होता है। लेकिन दोस्तों, इसे लगाना नहीं, इसे खाना है आपको। और दोस्तों, चूहे के काटने के बाद आपको ककड़ी के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस घाव पे। ककड़ी के पत्तों को आप पीस कर उसका पेस्ट बनाइए और उस घाव पे लगा लीजिए, इससे भी आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।